यदवंशी स्कूल के मालिक है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, और इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, ना हमें बोलने की सेंस है, बड़े से बड़ों से कैसे बात करते, खुद एक सीनियर सिटीजन होते हुए वो एक सीनियर सिटीजन से ऐसे बात करेंगे तो बच्चे तो उन्हीं से सीखेंगे ना। इतने प्लीज चेयरमैन सर डोंट ओपन लिक्विड सॉफ्ट हेयर रामगढ़ कॉलोनी महेंद्रगढ़। यहाँ पर ये फिर से हमने पहले भी कहा था यहाँ पर वाइन शॉप मत खोलो, फिर भी यहाँ पर वाइन शॉप खोल रहे हैं। हमने पहले भी विरोध किया था, हम फिर कर रहे हैं। इनका तो वो हो गया, यदवंशी स्कूल के मालिक हैं, फिर भी इनको ये हो रहा है कि यहीं पर खोलना है। इनको ये कोई मतलब है? हम स्टूडेंट्स हैं, हम भी कह रहे हैं, बड़े बूढ़े भी कह रहे हैं, यहीं पर किड्स स्कूल है, बच्चे आते हैं जाते हैं, यहाँ पर फिर भी वो खोल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, यहाँ पर बच्चे कैसे तो बस स्टॉप आएंगे, कैसे घर जाएंगे, कैसे रात को लेडीज यहाँ से मतलब घूमती भी है, वो कैसे घूमेंगी यहाँ से, उन्हें सोचना चाहिए। यहाँ पर किड्स स्कूल भी है, सुबह बसेस जाती है आती है, इन्हें मंदिर भी है यहाँ पर आसपास, बहुत सारे गौशाला भी है यहाँ पर आसपास। इन्होंने इतने सारे वाइन शॉप्स खोल रखे हैं, फिर भी इनको सिर्फ ये कहा यहाँ पर मत खोलो और कहीं खोलो, फिर भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, हम तो यहीं पर खोलेंगे। यदवंशी स्कूल के मालिक है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, और इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, ना हमें बोलने की सेंस है, बड़े से बड़ों से कैसे बात करते, खुद एक सीनियर सिटीजन होते हुए वो एक सीनियर सिटीजन से ऐसे बात करेंगे तो बच्चे तो उन्हीं से सीखेंगे ना। इतने बड़ा स्कूल है, उनके बच्चे तो सीईओ से भी तो कुछ प्रेरणा मिलती है ना, वो भी उनसे यही सीखेंगे कि इस तरीके से गंदे तरीके से बात करनी होती है। थोड़े दिनों पहले सीनियर सिटीजन डे था, उन्हें यहाँ पर सत्संग बनवाना चाहिए था, कुछ और स्कूल बनवाना चाहिए, पार्क बनवाना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए, और ये यहाँ पर इतना गंदा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। हम इतना कह भी चुके, उन्हें रिक्वेस्ट भी कर चुके, पर उन्होंने तो गंदी सेंस से ही बात करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई पर वो इफेक्ट पड़ेगा, पर उन्हें यहीं पर खोलना है। उनके जो कारोबार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे और सब लोग जाए बाहर में, उनको ये है बस। वो इतने बड़े स्कूल के चेयरमैन होते हुए वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उनकी इतनी बड़ी शॉप है वहाँ पे, दक्षिण हरियाणा के सारी वो वाइन शॉप उनके अंडर में आती है, वो बच्चे मतलब इतना बड़ा उनका स्कूल है, इतनी सारी ब्रांचेज है उनकी, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उनको बड़ों से बोलने की तमीज नहीं, उनको कैसे क्या? जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पे मत खोलो, पर उनको वो तो अपने जिद पे अड़ चुके हैं कि हमें तो यहीं पे खोलना है, यहीं पे खोलना है। हमने उनको पहले भी मना किया था तो बोले अब तो वहीं पे अपनी जिद पे अड़ चुके हैं, और यहाँ पे शाम के टाइम मेरा बस शॉप भी यहीं पे है, मैं अपने बसी से भी यहीं पे आता हूँ, और पता नहीं उन बच्चों पे क्या वो कुछ वो जो आते होंगे जैसे कि भी क्या बोलते हैं शराब भी, जैसे कि वो कुछ बच्चों के साथ गलत भी कर सकते हैं आगे, इसलिए यहाँ पे वाइन शॉप ना खोले। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? आगे आप इस पर साइन ना करें, क्योंकि ये ऐसे गंदे काम करते हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि वो इतने बड़े स्कूल के चेयरमैन हैं, और वो मैं एमएलए सर से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस पर साइन ना करें। मैं चेयरमैन सर से यह कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ठेका ना खोले, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने भी पत्रकार और जितने भी लोग हैं यहाँ पे इतना जोर लगाए कि ठेका ना खुले, ये ठेका बहुत गंदी चीज होती है जिसमें शराब बेची जाती है।